अमेरिका के मिशिगन राज्य का एक शहर है हैमट्रैक। ये शहर आज अमेरिकी समाज की वाहवाही करने वालों के लिए एक टेढ़ी खीर बन चुका है। अमेरिका वैसे तो पूरी दुनिया को धर्म निरपेक्षता का ज्ञान देता रहता है, मगर आज अमेरिका के एक शहर हैमट्रैक में लोकतांत्रिक और धर्म निरपेक्ष मूल्यों और इस्लाम के बीच एक कश्मकश शुरू हो चुकी है। इस शहर में जो भी आगे चलकर होगा उसी से साबित होगा कि क्या अमेरिका भारत जैसे विविधताओं वाले देश को धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र की सीख देने के लायक है भी या नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हैमट्रैक अमेरिका का पहला मुस्लिम शहर है। हैमट्रैक हमेशा से ही विविधताओं वाला शहर रहा है। इस शहर को जर्मनी से आए किसानों ने बसाया, मगर शहर का नाम रखा गया हैमट्रैक 18वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी मूल के कैनेडियन कर्नल के नाम पर, जिसने अमेरिकी सेना को अपनी सेवाएं दी थी। उसका नाम था जीन फ्रांकोइस हैमट्रैक। देखा जाए तो हैमट्रैक एक तरह से मिशिगन राज्य के सबसे बड़े शहर डेट्रॉइट का एक सैटेलाइट टाउन ही है, मगर हैमट्रैक की हमेशा से एक अलग पहचान रही। सन 1910 तक इस शहर की आबादी सिर्फ 3,500 ही थी, मगर कार और ट्रक बनाने वाली कंपनी डॉज ब्रदर्स ने 1914 में यहाँ एक प्लांट स्थापित किया और देखते ही देखते 1920 तक इस शहर की आबादी 48,000 से भी ज्यादा हो गई। असल में पोलैंड से आने वाले प्रवासियों ने रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में इस शहर को अमेरिका में अपना ठिकाना बनाया। आज भी हैमट्रैक शहर में पोलिश कल्चर की छाप देखी जा सकती है। मगर 1970 के दशक के आते आते डॉज ब्रदर्स की इस प्लांट की आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी। इस दौरान हैमट्रैक के पोलिश प्रवासी शहर से पलायन करने लगे और शहर में बड़ी संख्या में बांग्लादेश, पाकिस्तान और यमन जैसे देशों से आकर मुस्लिम बसने लगे। यहां तक कि आज हैमट्रैक शहर के एक इलाके को लिटिल बंगाल भी कहा जाने लगा है। आज हैमट्रैक शहर में इस्लाम को मानने वालों की जनसंख्या 60% से भी ज्यादा है। इस वजह से हैमट्रैक को अमेरिका का पहला मुस्लिम शहर भी कहा जाने लगा है। अमेरिका की डेमोग्राफी और हैमट्रैक की आबादी के बीच में जो विरोधाभास हैं, उनके सामाजिक और राजनीतिक नतीजे अब देखने में आ रहे हैं। सबसे पहले तो सन 2000 के आसपास हैमट्रैक की मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान की अनुमति देने की मांग उठने लगी, जिसे 2004 में शहर पर शासन करने वाली सिटी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। हैमट्रैक में मुस्लिम आबादी की राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी की इच्छा भी थी, इसलिए सन 2015 में हैमट्रैक के सिटी काउंसिल के चुनाव में 6 पदों के लिए 4 मुस्लिम उम्मीदवार स्थानीय चुनावों में जीत गए। इस तरह से हैमट्रैक अमेरिका का पहला ऐसा शहर बन गया जिसकी सिटी काउंसिल में मुस्लिमों का बहुमत था, और 2022 में तो सिटी काउंसिल के सभी पदों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को ही चुन लिया गया। 2022 के इस ऐतिहासिक चुनाव के बाद हैमट्रैक की मुस्लिम सिटी काउंसिल कई ऐसे फैसले ले चुकी है जो अमेरिका की धार्मिक सहिष्णुता के लिए एक चुनौती साबित हो रही है, जैसे कि अब हैमट्रैक की मस्जिदों से लाउड स्पीकर से 5 वक्त की अजान की जाती है, जिससे कई गैर मुस्लिमों को परेशानी होने लगी है। मगर कुछ मौकों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ शिकायत करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाने लगी है। इसके अलावा हैमट्रैक की मस्जिदों से 500 फीट की दूरी तक शराब की बिक्री नहीं हो सकती। हैमट्रैक में रहने वाले अपने घरों में ही जानवरों को जिबह कर सकते हैं। हैमट्रैक के स्कूलों में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन सकती हैं। मगर हैमट्रैक की सिटी काउंसिल स्थानीय स्कूलों के सिलेबस से LGBT संबंधी जानकारियां हटा देना चाहती है। साथ ही हाल ही में सिटी काउंसिल ने शहर में LGBT समुदाय की पहचान प्राइड फ्लैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का दबे स्वरों में काफी विरोध किया जा रहा है। हैमट्रैक में अब धार्मिक विश्वास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांतों के बीच टकराव शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि हैमट्रैक में इस्लाम और अमेरिका के लिबरल समुदाय के बीच का हनीमून अब खत्म होने वाला है। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।